मेरा एक वीडियो है जो कि पोजेस ऑन स्पेक्स का वीडियो है एंड जो कि मेरे चैनल का सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो है, तो वो जब वो वीडियो वायरल गया तो उसके बाद से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हो पिक्चर क्लिक करने के लिए, देन विच ऐप डू यूज टू एडिट योर पिक्चर्स, लाइक किस ऐप से एडिट करते हो, एंड ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे एंड मैंने सबको रिप्लाई भी किया था, बट स्टिल लाइक मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम हो गया जब तक मुझे समझ में आ गई है कुछ चीजें, एंड देन ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर एडिटिंग, जिस टाइप की एडिटिंग, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एडिटिंग जो मैं करती हूँ, किस ऐप से करती हूँ एंड एवरीथिंग, तो वो मुझे शेयर करना था, बट अभी एक वीडियो में तो इतना सब कुछ मैं नहीं बता सकती, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ होल सीरीज अबाउट दैट इज एडिटिंग सीरीज, जिसका दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट एडिटिंग सीरीज, जिसमें मैं नॉर्मली आपके साथ मेरे इक्विपमेंट्स शेयर करूंगी या फिर जो भी मैं यूज करती हूँ, देन कौन से ऐप मैं यूज करती हूँ, उनको मैं कैसे यूज करती हूँ, कैसे एडिट करती हूँ, वो सब कुछ इस सीरीज में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जिसके वीडियोस आते रहेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो अबाउट एप्स एंड इक्विपमेंट्स, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज ऑफकोर्स मैं कैसे शूट करती हूँ, मैं अपने पिक्चर्स कैसे क्लिक करती हूँ, किस में क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास कोई कैमरा नहीं है फिलहाल, मैं अपने मोबाइल से शूट करती हूँ, विच इज वन प्लस सिक्स, जिसको मैं आई गेस 3 साल से यूज कर रही हूँ, एंड उसी में मैं अपने पिक्चर्स को क्लिक करती हूँ, देन मैं अपने पिक्चर्स को एंड वीडियोज को एडिट भी करती हूँ एंड अपलोड भी करती हूँ, तो सब कुछ इसी में हो जाता है. नाउ आई हैव अ लैपटॉप बट आई एम नॉट यूज टू इट, सो आई एम जस्ट डूइंग इट इन माई मोबाइल, जो कि बहुत हैंडी है एंड हो जाता है. तो या फॉर मोबाइल आई एम यूजिंग 1+6. नाउ अभी कैमराज में लाइक नॉर्मल मोबाइल के कैमराज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो यू रियली अगर आप अभी कमाते नहीं हो या फिर आप YouTube पे नए हो या फिर आप Instagram पे के वीडियोस बनाते हो, तो पहले इतना खर्च की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास अच्छा सा मोबाइल है तो उससे काम चल जाता है. तो या आई एम यूजिंग 1+6, अगर आपके पास कोई और मोबाइल है यू कैन यूज दैट, इट इज ओके. नाउ सेकेंड थिंग इज ट्राईपॉड. I had a tripod, दो ट्राईपॉड थे बट दो टूट गए जिनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो उसके वजह से वो टूट गए. नॉर्मली आई हैव अ ह्यूमन ट्राईपॉड ओवर हियर, साक्षी शी इज माई फ्रेंड एंड शी इज शूटिंग अ वीडियो राइट नाउ एंड वही मेरे वीडियो शूट करती है, तो मुझे नॉर्मली ट्राईपॉड की जरूरत नहीं होती, बट नॉर्मल रेंज में आपको अमेजोन पे या किसी भी साइट पे अच्छा सा ट्राईपॉड मिल जाएगा, बट ऐसे कोई भी मत उठा लेना, थोड़ा सा सर्च करके देन ट्राईपॉड ले लेना, क्योंकि मेरे दोनों टाइम का एक्सपीरियंस बहुत खराब था, वो ऐसे मैं मार्केट से उठा के लाई थी एंड दे वर टेरिबल, लाइक बहुत जल्दी वो खराब हो गए, तो प्लीज ट्राईपॉड खरीदते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अगर ट्राईपॉड नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर जुगाड़ करके हो जाता है. तो या देन थर्ड थिंग दैट आई यूज विच इज अ रिंग लाइट, सो दिस इज द रिंग लाइट दैट आई यूज एंड इसमें कुछ ऐसे ये है, लाइक 3 लाइट्स होती है इसमें, एक व्हाइट है, देन येल्लो है एंड देन थोड़ी सी नॉर्मल काइंड ऑफ नेचुरल लाइट टाइप्स ऑफ नाइट लाइट है, तो ये मैं यूज करती हूँ, बट इसकी मुझे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, लाइक मैं हर जगह उसको नहीं लेके जा सकती या फिर उसको रखने की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका ट्राईपॉड टूट गया है, तो मैं नॉर्मली यहाँ नेचुरल लाइट में. सो यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे बहुत सारी लाइट का, लाइक नेचुरल लाइट का सोर्स मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पे सामने है एंड देन यहाँ पे दिस इज द सेटअप जहाँ पे मैं बैठ के शूट कर रही हूँ अभी, तो वहां से सामने से बहुत अच्छी सी लाइट आ जाती है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, तो या दिस इज माय लाइट सोर्स. दैट इज अबाउट द लाइट सोर्स जो कि आता है, उसमें ही मेरा शूट हो जाता है क्योंकि ज्यादा लाइट की उससे एक्स्ट्रा ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं पड़ती. देन नेक्स्ट थिंग इज दिस बैकग्राउंड. बैकड्रॉप बहुत सारे आते हैं, मैंने इस को पर्दे की दुकान से लिया था अटैच करके, एंड दिस इज द बैकग्राउंड करती थी वहां बैठ के, इस वॉल के सामने मैं शूट करती थी, देन मैंने ये पर्दा लाया तो इससे ज्यादा अच्छा लगता है, बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा वाला फील होता है. तो या दिस इज द बैकग्राउंड, देन अगेन देन व्हेन मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती हूँ तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा सा हो तो अच्छा लगता है, ज्यादा भी ना हो थोड़ा सा हो तो अच्छा लगता है, इट गिव्स यू दैट एस्थेटिक काइंड ऑफ लुक. तो या इसके लिए कुछ ऐसा अच्छा सा स्टफ जो अच्छा दिखता हो ऐसा आप लेके रख सकते हैं, दैट इज
एंड दैट्स अबाउट द इक्विपमेंट्स दैट आई यूज. ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है इसमें. एंड एक मेरे पास बोया का माइक है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, होना चाहिए था बट नहीं है वो अभी. तो या मैं उसको यूज करती हूँ जब मुझे बोलने वाले वीडियोज, लाइक टॉकिंग वाले वीडियोज होते हैं, तो उसमें मैं उस माइक को यूज करती हूँ. या दैट्स अबाउट इट. नाउ कमिंग टू द एप्स, तो एप्स तो मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी जिसमें मैंने एप्स शेयर किए जिनमें मैं एडिटिंग करती हूँ. देन मैंने एडिटिंग का भी एक वीडियो बनाया है जो एक पिक्चर था, उसको बहुत सारे ये आए थे कि कैसे एडिट किया है, तो उसका वीडियो भी है. बट स्टिल आई वॉन्ट टू शेयर सम एप्स लाइक जो मैं अभी यूज करती हूँ करंटली, मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है. एंड जैसे यू नो एडिटिंग करते करते थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते करते मिल जाते हैं, तो वैसे मुझे मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं. तो उसमें मैं बताना चाहूंगी, फर्स्ट वन इज लाइट रूम, ऑफकोर्स हो तो आपको पता होगा लाइट रूम. देन B612 एंड देन VN ऐप करके ऐप है जिसको मैं अपने रील्स बनाने के लिए यूज करती हूँ, या फिर मेरे पोजेस के वीडियोज जो अभी मैंने अपलोड किए हैं उनमें थोड़ा इफेक्ट वगैरह डालने के लिए मैं उनको यूज करती हूँ. तो या दीज थ्री एप्स जो कि मैं इसके लिए यूज करती हूँ. देन यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए जो कौन से ऐप आते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक इसके बाद के जो वीडियोज आएंगे उसमें मैं डिटेल में बता दूंगी. इसमें मैं ऐसे ब्लाबर करके नहीं बताना चाहती क्योंकि वो फिर समझ में नहीं आएगा. तो इसके बाद के जो वीडियोज आएंगे उनमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा कि पिक्चर्स कैसे क्लिक करने से लेकर एडिट करने तक सब कुछ मैं बताऊंगी. तो प्लीज स्टे लाइक, प्लीज देखते रहना मेरे वीडियोस एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड या दैट्स इट. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मेरे नेक्स्ट वीडियोज आए एडिटिंग में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे वीडियोज आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. एंड बाकी की बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज है, आप जाके उनको चेक कर सकते. Thank you. Bye-bye.